हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये फूल देखकर तो मन खुशी हो गया, क्योंकि ये बहुत ही सुप्लांट है। इसके कलर देखो कितना प्यारा है। ये डबल पेटल वाले अपराजिता का पौधा है। मेरे पास सिंगल पेटल भी है, पर मेरे पास दोनों ब्लू कलर है। इसके तीन या चार कलर के पाए जाते हैं। एक वाइट होता है, ब्लू होता है, पर्पल कलर के या पिंक कलर के भी होते हैं, पर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने सिर्फ दो कलर ही देखा। तो देखिए, ये एक वाइन वाले पौधे हैं। इसको आप जब जमीन में लगाते हो तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये चढ़ने के लिए। तो आपके पास जमीन है तो आप जमीन में लगाए, बहुत हेवी फूल खिलेंगे दोस्तों। अभी से जो आप इसमें खाद डालोगे ना, अक्टूबर के महीने में ख़त्म होने से पहले आप खाद डाल दीजिए, दिसंबर तक फूल खिलेंगे। जनवरी फरवरी में जो है पूरी तपती ठंड जो गिरती है ना, जो कपकपाती ठंड, उसमें ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। इनकी ग्रोथ जो है रुक सी जाती है, थम सी जाती है, इसका फूल खिलना बंद हो जाता है, सारे पत्ते झड़ा देते हैं। तो लोग सोचते हैं हमारा पौधा मर गया, पर ऐसा कुछ ही नहीं है, वो मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है। तो देखिए, इतने अच्छे फूल पाना चाहते हो। बहुत सारे लोग की समस्या ये भी होती है कि हमारे पत्ते पीले होकर गिर गए, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, पानी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी देते कभी नहीं देते, एक दिन छोड़ छोड़ कर देते हैं। पर ऐसा मत करिए, जब आप देखिए मिट्टी हल्की ड्राई हो चुकी है तब जाकर दीजिए, जैसे कि बराबर नमी बने रहना चाहिए। मिट्टी को सूखने मत दीजिए, अगर मिट्टी सूख जाती है ना तो ये झुलस जाते हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अपराजिता के पौधे को ना नमी पसंद है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसे नमी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सभी ने भी ध्यान दिया होगा, ये बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और फूल भी खिलता है, इसका मतलब इसे नमी पसंद है। देखिए, हर 15 रोज में आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से हमारी मिट्टी हल्की होती है और हमारे पौधे के जड़ में हवा लगते हैं। आज जो मैं फर्टिलाइज़र इसमें देने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री के हैं, हर घर पर पाए जाते हैं। महीने में एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ दिन पहले ही मैंने इस्तेमाल किया था, जो इतने अच्छे फूल मुझे मिल रहे और इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर गमले में लगाना चाहते हो तो 12-15 इंच के गमले में लगाइए, और आपको स्टिक की ज़रूरत है, स्टिक लगा दीजिए, 3-4 स्टिक आपको उसी के ऊपर में ये पौधे को चढ़ा देना है। जैसे देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें बीज ग्रो किया था, जो इनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से हो रहे, पर मुझे ये याद नहीं है कि ये डबल पेटल है या सिंगल पेटल है, पर इनकी ग्रोथ हो रही है और कलियाँ भी बने हुए हैं। मैं इसको देखिए घना कैसे बनाती हूँ ना, वो जो ऊपर की जो टिप है वहाँ पर मैं पिंच कर देती हूँ, तो ये प्लांट जो है घना हो जाता है। इस प्लांट पर आपने कभी नोटिस किया है कि जहाँ पर पत्ते होते वहीं पर कलियाँ होती है, यानी जितनी ग्रोथ उतनी फूल आपको अपराजिता के पौधे पर मिलेंगे। ग्रोथ के लिए हमें ऐसा बहुत हेवी फर्टिलाइज़र देना होगा, जो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, वो भी फ्री के ही है। महीने में एक बार आप इस्तेमाल करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दिन भर की धूप में रखें, अगर दिन भर की धूप नहीं आती है तो 4-5 घंटे की धूप में रखें, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। मेरे गार्डन में 4-5 घंटे की धूप में रखी हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पॉट में भी नहीं लगाया, ये चावल की बोरी में मैंने ग्रो बैग घर पर बनाया था, उस पर मैंने बीज डालकर ग्रो किया। ये कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाते, बीज से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती। इसकी बीज कैसी होती है, सीम की फलियां कभी देखे हो? सीम जो होती है, हम लोग सब्जी बनाकर खाते, उसकी फलियों की तरह ये होते हैं। ये पेड़ में ही सूख जाते हैं, उसके बाद ये ब्राउन कलर हो जाएंगे इसकी फलियाँ, और उसको जब आप फाड़ोगे ना तो वो काले काले बीज निकलते हैं। मिट्टी में आप दबा दोगे, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये ठंड में तो डोरमेंसी में जाते ही हैं, जैसे दिसंबर तक आपको फूल देता ही रहेगा ये, जब आप फर्टिलाइज़र दोगे। उसके बाद जनवरी फरवरी में ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, सारे पत्ते को ये झड़ा देंगे। तो देखिए, जो मैं आज खाद डालने वाली हूँ ये है चपत्ती, 1 चम्मच मैंने लिया है। ये 10-12 इंच का ग्रो बैग है। आप अगर 10-12 इंच का ग्रो बैग लेते हो तो 1 चम्मच चपत्ती बहुत ज़्यादा है। ये कोई केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। आप ये थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये जब हमारी मिट्टी में जाती है ना, तो मिट्टी हमारी हल्की होती है, इसमें पोटाशियम होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन पाए जाते हैं चपत्ती में, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत हेवी फ्लावरिंग होगी, बहुत हेवी ग्रोथ होंगे। आप चाहते हो इतने अच्छे तरीके से दिसंबर तक फूल, तो आप ये दे सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे चारों तरफ दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, रड की मदद से इनकी गुड़ाई कर रही हूँ।
गुड़ाई करने से क्या होगा, ये जो जो खाद है हमारे मिट्टी के अंदर दब जाएंगे, और जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे घुल कर जो चपत्ती अपना कलर छोड़ता है, यानी कि इसमें जो जितने भी गुण होते हैं वो छोड़ते हैं, तो हमारे पौधे के जड़ जो है पी लेते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि ग्रोथ इनकी जो है बहुत ही फास्ट होती है और फूल भी मिलते हैं। हर पत्ते के पास इनकी कलियाँ होती है, यानी ग्रोथ अच्छी होगी तो फूल भी खिलेंगे, है ना। ये तो आप मानते ही हो। देखिए, खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी है। आप खाद देने से पहले गुड़ाई करें, तब जाकर आप खाद दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि देखिए नमी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नमी बना कर रखें दोस्तों, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। धूप कितनी घंटे रखनी है वो भी मैंने बता दिया। तो देखिए मेरे अपराजिता के पौधे को देखिए, ये लग रहे कि कोई कीड़े हैं, जो वो फतिंगा उतिंगा होगा कोई, वो खा लिया है, तो इसे मैं देखिए तोड़ दी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, शुभ प्लांट है दोस्तों, आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करें। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि शुभ और इसके फ्लावर भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। देखिए धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके फ्लावर का कलर है जो अलग ही दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आप सभी ने नहीं लगाया ना तो फटाफट से लगा लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे वाले जो मेरे पास है अपराजिता का प्लांट, इसमें भी मैं वही खाद देने वाली हूँ क्योंकि इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होंगे। और देखिए जैसे कि मैंने बताया, जैसे तपती ठंड जो होती है, कपकपाती ठंड अगर चढ़ जाएंगे यानी कि आ जाएंगे, तो इनकी सारी पत्ते जो है वो झड़ जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि ये मर गए हैं, पर ऐसा मरता नहीं है, इनकी ये जिंदा ही रहते हैं। जैसे ही हमारी जो है ठंड ख़त्म हो जाएगी तो इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे और नए नए फुटाव भी आएंगे, फिर से इनमें एक नई जान आ जाएगी, तो फिर हमें इसमें एक फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। आप अगर चाहते हो इतने अच्छे तरीके से फूल पाना चाहते हो, तो आप ज़रूर ये खाद को इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्री के ही है। मैंने यहाँ पर भी एक बीज ग्रो किया था, जो देखिए बीज से ग्रो हुई है। ये मेरा हिबिस्कस का पौधा है, पिंक कलर के इसमें फ्लावर खिलते हैं, उस पर मैंने दो बीज डाली थी, दोनों ही ग्रो हो गए। और मैं देखिए यहाँ पर जो है इस पर ही चढ़ा रही हूँ, यानी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आप ये गुड़हल के पौधे को पे ही मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये गुड़हल का पौधा भी डोरमेंसी में चले जाएंगे दिसंबर में, और ये अपराजिता का पौधा भी चला जाएगा, इसलिए मैं इसको पिंचिंग कर करके घना बनाकर इस पर चढ़ा रही हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।